Hi students, I am Mohib sir, your English teacher. Today we're going to learn class 9 poem number 2.3, Somebody's Mother. So guys, ये poem mother के ऊपर है, mother के लिए लिखी गई है. So please ध्यान दीजिए इस poem को, काफ़ी interesting और बहुत beautiful poem है. Somebody's Mother. So start करते with the first stanza. तो सबसे पहली लाइन, पहले दो लाइन, द वुमन वॉज ओल्ड एंड रेग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल्ड ऑफ अ विंटर्स डे. अब फर्स्ट लाइन ही स्टार्ट हो रही है एक वुमन से, और ऐसा बताया एक वुमन, बहुत ही ओल्ड वुमन एंड रेग्ड, रेग्ड मतलब जो फटे पुराने पुराने कपड़े हैं उसको रेग्ड बोलते हैं, रेग्ड एंड ग्रे, ग्रे मतलब बहुत ही जो एजेड हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं ना, बूढ़े, उनको ग्रे बोला गया है. And bent with the chill of a winter's day. वो एक bent हो गए हैं ठंडी की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंडी, chill मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी, मतलब winter का season वहाँ पर आ गया है. तो पहली दो line में ये बताया है कि एक old woman जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए है और वो bent हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी है वहाँ पर, उससे वो bent हो गए हैं और वो विंटर्स डे वहाँ पर आ गया. द स्ट्रीट्स वर वाइट विथ अ ग्रीसेंट स्नो एंड द वुमन्स फीट विथ एज वर स्लो. इसका मतलब है कि वहाँ की जो स्ट्रीट्स है, सड़क है, वो सफ़ेद हो गई थी क्योंकि वहाँ पर स्नो हुआ था, बर्फ गिरी थी, तो बर्फ़ का कलर सफ़ेद होता है, तो वहाँ पर पूरा रोड जो है, स्ट्रीट सफ़ेद थी. एंड द वुमन्स फिट विथ एज वर स्लो, और क्योंकि वुमन्स की एज हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा एजेड थी, इस वजह से वो बहुत स्लो चल रही थी, स्लो चलना. वुमन्स फिट एंड द वुमन्स फिट विथ एज वर स्लो का मतलब है वो वुमन जो है बहुत स्लो चलने लग गई थी वहाँ पर. तो ये था फर्स्ट स्टैंजा स्टूडेंट्स. अब हम लोग सेकेंड स्टैंजा पढ़ते हैं. एट द क्राउडेड क्रॉसिंग शी वेटेड लॉन्ग, jostled aside by the careless throng of human beings who passed her by, unheeding the glance of her anxious eye. इस स्टेंजा में हमें बताया कि जो वुमन है, ओल्ड वुमन, वो एक रोड के साइड में खड़े हैं, जो बहुत क्राउडेड रोड है, और वो जो क्राउड है वो रोड क्रॉस कर रहा है और ये वेट कर रही है कि ये भी रोड क्रॉस करे, पर ये रोड क्रॉस नहीं कर सकती, कर पा रही थी. जॉस्टल असाइड बाय द केयरलेस थ्रॉन्ग, जॉस्टल असाइड का मतलब है जर्क्ड टू वन साइड, मतलब एक साइड उसको ढकल दिया गया था, ढकेल दिया गया था, जो लोग फटाफट रोड क्रॉस करते हैं स्पीड में, तो उसे एक साइड में धक्का लग कर वो एक साइड हो गई थी. ऑफ ह्यूमन बींग हु पास्ड हर बाय, मतलब जो भी उसके आस पास से गुजर रहा था उसको ढकल के एक साइड कर दे रहा था, एक कोने में हो गई थी. अनहीडिंग द ग्लांस ऑफ हर एंशियस आई, अनहीडिंग मतलब उसको अनदेखा करके, उसको नोटिस नहीं किया गया, इग्नोर करते हुए उसको वो लोग छोड़ कर चल गए. केयरलेस थ्रॉन्ग का मतलब है, थ्रॉन्ग मतलब क्राउड, ओके, केयरलेस थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग मतलब क्राउड. ऑफ ह्यूमन बींग हु पास्ड हर बाय, अनहीडिंग द ग्लांस ऑफ हर एंशियस आई, एंशियस मतलब वरीड. अब ये जो स्टैंजा है इसमें बताया कि एक वुमन जो है वो रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, पर वहाँ पर क्राउड जो है वो उसे धक्का देकर उसको एक साइड में कर दिया, क्योंकि वो बहुत एजेड है, तो वो एक साइड में हो गई, एक कॉर्नर पे हो गई, और पब्लिक जो है, थ्रॉन्ग पब्लिक जो है, वो क्राउड जो है वो उसको अनदेखा करके उसे ढकल कर एक साइड कर दिया, और वो बहुत ही घबराई हुई, डरी हुई आँखों से है, एंशियस आया मतलब वरीड, बहुत ही घबराई हुई है, और उसे वो रोड क्रॉस करने नहीं मिल रहा था. तो इससे आपको पता चलता है कि लोग जो है वो सिर्फ कितने सेल्फिश होते हैं, मतलब वो एक बूढ़ी औरत को रास्ता क्रॉस नहीं करवा रहे. ओके, नाउ सेकंड थर्ड स्टैंजा. डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, केम हैप्पी बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप. सो स्टूडेंट्स, इसमें छः लाइन है इस स्टैंजा में, तो हम लोग तीन तीन करके इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहली लाइन है, डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड शाउट. अब स्ट्रीट पे कुछ लोग आए चिल्लाते हुए, हंसते हुए, शोर मचाते हुए, उसी स्ट्रीट पे जहाँ पर वो वुमन, एज वुमन, एजेड वुमन रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रही है. ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट. अब इससे पता चलता है कि वो जो लोग आए हैं चिल्लाते और मजाक मस्ती करते हुए, हंसते हुए, वो थे स्टूडेंट्स,
स्कूल छूटने के बाद, स्कूल लेट आउट मतलब स्कूल छूटने के बाद वो लोग वहाँ से गुजर रहे उसी रोड से। ग्लैड का मतलब है प्लीज्ड, मतलब बहुत खुश है। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स आप लोग सब जानते हैं स्कूल छूटने के बाद आप लोग कितने खुश रहते हैं और कितनी मस्ती करते हुए जाते हैं, तो जैसे आज़ाद हो गए इस तरीके से। केम हैप्पी बॉयज़ लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, और इतने खुश होकर चल रहे थे वो लोग वहाँ पर जैसे कि फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक मतलब ग्रुप, तो भेड़ के ग्रुप कैसे एक एक के पीछे एक चलते रहते, उस तरीके से ये लोग स्कूल से बाहर निकल रहे थे एक के पीछे एक चलते हुए। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप पास्ट द वूमन सो ओल्ड एंड ग्रे हैस्टेंड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे। ओके, इसका मतलब है हीलिंग का मतलब है शोइंग मेरिली एट द स्नो, मतलब कि जब जैसे ही वो लोग स्कूल से बाहर आए और उन लोग ने जब स्नो का पाइल्ड, पाइल्ड मतलब एक के ऊपर एक जो स्नो कवर हुआ है ना, पाइल्ड उसको बोलते हैं, ये पूरा के पूरा हेलिंग करते हुए, हेलिंग का मतलब है बहुत खुश होकर उसको मस्ती करना, उसको हेलिंग बोलते हैं। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, अब इतना स्नो गिरा था कि उसको देखकर बच्चे लोग बहुत खुश हो गए और बहुत मस्ती करने लगे। पास्ट द वूमन सो ओल्ड एंड ग्रे, और वो लोग ने भी उस वूमन को इग्नोर कर दिया, देखा भी नहीं उसकी तरफ, और वो लोग उसको भी पास्ट करते हुए, पास्ट करना मतलब उसको भी क्रॉस कर दिया, वूमन वूमन को देखकर देखा भी नहीं उन लोग ने और क्रॉस हो गए रोड से, ना उन्होंने भी वूमन को हेल्प नहीं किया। हेस्टन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, हेस्टन का मतलब है हरीड, अब क्योंकि बच्चे लोग स्कूल से छूटे हुए थे तो स्कूल से छूटकर कितनी हरी में घाई में वो लोग घर की तरफ जाते हैं, तो उस तरीके से ये भी बताया है इस पोएट ने कि वो भी एकदम जल्दबाजी में उस रोड को क्रॉस कर दिया और वो वुमन को उन्होंने भी इग्नोर कर दिए। नेक्स्ट स्टैंजा है, नन ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर सो वीक एंड टिमिड अफ्रेड टू स्टीयर लेस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड ट्रैम्पल हर डाउन इन अ स्लिपरी स्ट्रीट। सो फर्स्ट टू लाइन का मीनिंग क्या है कि नन ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, किसी ने भी उस ओल्ड वुमन को हेल्प नहीं किया, किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया अपना मदद का। सो वीक एंड टिमिड, वीक मतलब बहुत कमज़ोर थी वो औरत, वो वुमन, एंड टिमिड, टिमिड का मतलब है बहुत डरी हुई घबराई हुई थी वो। अफ्रेड टू स्टीयर, अफ्रेड टू स्टीयर मतलब डर रही थी वो आगे बढ़ने के लिए, स्टीयर मतलब चलना, तो बहुत डर रही थी वो आगे चलने के लिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, लेस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड ट्रैम्पल हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट। लेस्ट का मतलब है कि सोचना, वो ऐसे सोच रही थी कि जो कैरेज व्हील्स होता है जैसे कि घोड़ा गाड़ी या कोई कार, इस तरीके के जो चीज़ होते हैं हॉर्सेस, वो उसको कुचल देंगे, उसको कुचल देंगे। शुड ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का मतलब है कुचल देना या उसके ऊपर से चले जाना, तो उसके ऊपर से चले जाएंगे क्योंकि वो जो रोड है हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, वो रोड जो है वो बहुत स्लिपरी है, वहाँ पर स्लिप होने का डर है क्योंकि बर्फ़ गिरी होगी, तो गीला रोड था जहाँ पर खड़े भी नहीं रह सकते, वहाँ पर वो वॉक करने जाएगी तो हो सकता है कि वो वहाँ पर गिर जाए और उसके ऊपर से घोड़ा गाड़ी या कोई कार उसे कुचल कर चली जाए, ये उसे डर था, उस बेचारी ओल्ड वुमन को ऐसे डर लग रहा था। नेक्स्ट स्टैंजा है, एट लास्ट केम आउट ऑफ द मैरी ट्रूप द गेस्ट बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ़ यू विश टू गो। इट मीन्स के लास्ट के जो स्टूडेंट्स थे, एट लास्ट कम आउट द मैरी ट्रूप का मतलब है, मैरी ट्रूप मतलब बहुत ही खुश ग्रुप, जो बहुत खुश खुश ग्रुप है, मस्ती करने वाला है, बट बहुत ही खुश है ग्रुप, वो हैप्पी। तो यहाँ पर जब लास्ट में एक ग्रुप आया जो स्कूल का ही ग्रुप है, वो उस रोड को क्रॉस करने के लिए वहाँ पर आया, और उसमें से द गेस्ट बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप, मतलब गेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा खुश, जो सबसे ज़्यादा खुश लड़का था उस ग्रुप में, वो लड़का ही पॉस्ट बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, पॉस्ट का मतलब है वो वहाँ पर रुक गया, उस वुमन के, वो ओल्ड वुमन के पास रुक गया
और उसके कान में कुछ धीमे से बोला, विस्पर्ड मतलब स्लो वॉइस में बोला। क्या बोला? आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ़ यू विश टू गो। उसने बोला कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगा ये रोड क्रॉस करने के लिए, अगर तुम ये रोड क्रॉस करना चाहते हो तो। तो एट लास्ट उस लड़के ने उस ओल्ड वुमन को हेल्प करने की कोशिश की, उसको इग्नोर नहीं किया, उसको धक्का नहीं दिया, वो उसे हेल्प करने के लिए वहाँ पर पहुँच गया और उसने उसके परेशानी को समझा और उसे हेल्प करने वहाँ पर उसको ऑफ़र किया कि मैं तुम्हें क्रॉस करवाऊँगा अगर तुम को रोड क्रॉस करना है तो। नेक्स्ट स्टैंजा है, हर एजेड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फिट अलॉन्ग प्राउड दैट हिज ओन वर यंग एंड स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो लड़के ने ऑफ़र किया कि मैं आपको रोड क्रॉस करने के लिए हेल्प करता हूँ, तो जो वुमन है एजेड वुमन, उसने अपना जो हैंड है वो उस लड़के के स्ट्रॉन्ग आर्म पर रख दिया ताकि वो उसे रास्ता क्रॉस करा सके। शी प्लेस्ड मतलब उसने अपना हाथ रख दिया एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, और बिना तकलीफ़ दिए उस वुमन को, बिना हार्म किए, बिना तकलीफ़ के उसको उसने रोड क्रॉस करवा दिया। उस लड़के ने उस वो ओल्ड वुमन को रोड क्रॉस करवा दिया। ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फिट अलॉन्ग। अब यहाँ पर ट्रेम्बलिंग का मतलब है शिवरिंग, कांपते हुए, जो कांपते हुए फीट है, उसके पैर जो कांप रहे थे वो वुमन के, उसने उसको वहाँ पर लेकिन पहुँचा दिया। ठीक है, प्राउड डैट हिज ओन वर यंग एंड स्ट्रॉन्ग, और ये बहुत ही खुश था वो लड़का कि उसके जो हाथ पैर है बहुत यंग है और बहुत वो स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो उस लेडी की हेल्प कर सकता है, तो उसने ये चीज़ किया। ओके, देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कॉन्टेंट। अब यहाँ पर बोलते हैं कि जैसे ही उसने उस वुमन को रोड क्रॉस करवाया, उसकी हेल्प करा और फिर से अपने ग्रुप में जाकर वो ज्वाइन हो गया, और वापस से अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ज्वाइन होने के बाद भी उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कॉन्टेंट, कॉन्टेंट का मतलब है सेटिस्फेक्शन। उसको बहुत तसल्ली हो गई थी, उसे बहुत खुशी हो गई थी कि उसने किसी की हेल्प किया। तो यहाँ पर इस लड़के ने उस ओल्ड वुमन को, जिसको कोई हेल्प नहीं कर रहा था, रोड क्रॉस नहीं करवा था, धक्का देकर उसको साइड में कर दिया गया था और वो बेचारी बहुत डरी हुई थी, उसको इसने हेल्प किया और जिससे ये बहुत खुश भी हो गया कि मैंने किसी की मदद की है। तो जब हम किसी को मदद करते हैं गाइज, तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है, एक अंदर से बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, वैसे ही उसको भी फील हो रहा था। अब नेक्स्ट स्टैंजा है, शी इज समबडीज मदर बॉयज यू नो फॉर ऑल शी इज एज्ड एंड पुअर एंड स्लो एंड समवन सम टाइम मे लैंड अ हैंड टू हेल्प माय मदर यू अंडरस्टैंड। If ever she is old and poor and grey and her own dear boy so far away। अब यहाँ पर stanza में ये जो boy ने जो help किया था उस old woman को, वो अपने friends को बोल रहा है कि she is somebody's mother boys you know, बता रहा बोल रहा है कि दोस्तों तुम्हें पता है कि ये वो भी किसी की माँ है। For all she is aged and poor and slow, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई है और बहुत गरीब है और बहुत स्लो हो गई है, एंड समवन सम टाइम मे लैंड अ हैंड टू हेल्प माय मदर यू अंडरस्टैंड, और किसी दिन किसी टाइम ऐसा भी आएगा कि कोई लैंड अ हैंड मतलब मदद करने के लिए मेरी माँ को आगे आएगा, मेरी माँ को मदद करने के लिए आगे आएगा, मेरी माँ की हेल्प करेगा। किसी दिन ऐसा भी आएगा जब मेरी माँ, इफ़ शी इज़ ओल्ड एंड पुअर एंड ग्रे, जब मेरी माँ भी इस ओल्ड वुमन की तरह बूढ़ी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो कोई लड़का मेरी माँ को भी मदद करेगा जैसे कि मैंने इसकी मदद किया। एंड हर ओन डियर बॉय सो फार अवे, उस वक्त जब मैं अपनी माँ के पास नहीं रहूँगा या उसकी मदद नहीं कर पाऊँगा या उसके करीब नहीं रहूँगा, जब उसे मेरी ज़रूरत रहेगी, तो जैसे मैंने इनकी हेल्प किया है वैसे ही मेरी माँ की भी कोई हेल्प करेगा मेरी तरह, जैसे मैंने इनकी हेल्प की है। तो ये अपने फ्रेंड्स से वो लड़का कह रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा है, समबडीज मदर बोव्ड लो हर हेड इन हर होम डैट नाइट एंड द प्रेयर शी सेड वॉस
गॉड बी काइंड टू डैट नोबल बॉय हु इज समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय। अब यहाँ पर समबडीज मदर मतलब वही ओल्ड वुमन जिसको वो रोड क्रॉस करवाया गया था, तो वो अपने बोव्ड लो हर हेड मतलब वो प्रेयर करने के लिए अपने बैठ गई इन हर होम डैट नाइट, मतलब अपने घर पहुंच गई और वहां पर जाकर उसने रात में अपने सर झुकाकर प्रे किया उस लेडी ने, उस ओल्ड वुमन ने। एंड द प्रेयर शी सेड वॉस, और जो प्रेयर उसने जो किया वो क्या था, गॉड बी काइंड टू डैट नोबल बॉय। अब उसने गॉड से प्रे किया कि जो लड़के ने उसे रास्ता क्रॉस किया है उसकी हमेशा मदद करना, उसके लिए हमेशा तैयार रहना। हु इज़ समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय, और वो भी किसी का लड़का है जिसका भी वो लड़का है और बहुत ही प्राउड फील कर रहा होगा, बहुत ही खुश होगा, और मैं भी बहुत प्राउड और खुश हूँ। और वो समबडीज मदर जो है वो इस तरीके से गॉड से प्रे कर रही। तो स्टूडेंट्स, ये पोयम हम लोगों को एक मैसेज ये देता है कि हमें हमेशा किसी की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रेयर करते हैं ना, खास करके कोई ओल्ड वुमन है या ओल्ड मैन है जिसे हेल्प की ज़रूरत है, अगर हम उनसे हेल्प करते हैं और वो हमारे लिए प्रे करते हैं तो वो प्रे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो प्रेयर हमेशा सही होता है हमारे लिए। तो इसलिए हमें हमेशा किसी ना किसी की हेल्प करनी चाहिए जब भी हमें मौका मिले। ओके, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ मोहित सर सेइंग गुड बाय।